Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the discussion about drama that is before Godot. ठीक है, इसको आपने लास्ट वाला जो टी है उसको नहीं प्रोनाउंस करना, ठीक है. वेटिंग फॉर गोडोट या गोडो, ठीक है. रिटन बाय सैमुअल बेकेट. इसको जो है वो सैमुअल प्रोनाउंसिएट करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका सैमुअल बेकेट. अब इस ड्रामे से फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस ड्रामे के अकॉर्डिंग फर्स्ट बात तो ये है कि ये ड्रामा लिखा गया है अंडर एब्सर्ड थिएटर, ठीक है. एब्सर्ड थिएटर के अंदर ये ड्रामा लिखा गया है. एब्सर्ड ABSURD नहीं, एब्सर्ड का मतलब होता है फजूल, नाकारा, ठीक है. अब इससे पहले जैसे आप ड्रामा पढ़ चुके हो, मुख्तलिफ किस्म की ना नहीं 1906 में इसकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेथ इसका आप देख लीजिएगा. तो बेसिकली हम इसके रेफरेंस से इसने सैमुअल बेकेट के हवाले से इस वक्त मैं इतनी बात करूँगी कि ही इज़ वेरी जीनियस पर्सन एंड ही वॉज बोर्न इन डुब्लिन, ठीक है. वहाँ से जेम्स जॉयस भी वहीं का रहने वाला था, यानी कि यहाँ से हमें ये बात सामने आती है कि ये भी आयरिश से ही बिलोंग करता है, ठीक है. यानी अब हमने इस वक्त तक हमारे पार्ट सेकंड के अंदर हम तीन लोग ऐसे पढ़ चुके हैं जो आयरिश से बिलोंग करते हैं. जेम्स जॉयस था, ठीक है, एक हीनी था और ये था. इसीलिए इसके ड्रामे के अंदर भी हमें दो कैरेक्टर्स ऐसे नज़र आते हैं जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को शो कर रहे हैं, यानी स्लेवरी और अपर क्लास और लोअर क्लास को शो कर रहे हैं. और ये भी एक बात इसके हमारे से इम्पोर्टेंट है कि जेम्स जॉयस जो था वो इसका मतलब कि काफ़ी क्लोज फ्रेंड भी रहा है, ठीक है, सैमुअल बेकेट का. तो इससे पहले एब्सर्ड थिएटर के आने से पहले तकरीबन 19वीं सेंचुरी से ये पहले की बात है, उस वक्त फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन एक चली थी, यानी कि फेमिनिज्म के ऊपर उस वक्त काम हो रहा था, जिससे रिलेटेड हम ड्रामा पढ़ चुके हैं हेडा गैबलर, ठीक है. उसके बाद ये जो एब्सर्ड थिएटर है ये बाद में आया है, लेटर ऑन आया है. अब इसके हवाले से एक अहम बात ये है एब्सर्ड थिएटर के हवाले से, क्योंकि ये ड्रामा भी एब्सर्ड थिएटर को शॉर्ट करता है, तो इसके हवाले से एक अहम बात ये है कि अगर मैं कहूँ कि मार्टिन था, एक शख्स था मार्टिन, ठीक है, उसने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था द थिएटर ऑफ एब्सर्ड, ठीक है. उसके अंदर बहुत से मतलब कि एब्सर्ड ड्रामाज डिस्क्राइब किए गए थे जो कि एब्सर्डिटी के ऊपर बेस करते हैं. अब उसने कुछ एब्सर्ड थिएटर के बारे में कुछ रेफरेंसेस दिए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये कहना चाहता है कि एब्सर्ड थिएटर जो है वो एक आम थिएटर से बहुत हटके है, ठीक है. मैं आपको लिखने का टाइम दे दूँगी ये, क्योंकि ये ड्रामे को समझने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए आपकी बहुत ज़्यादा सीरियसनेस की ज़रूरत है, ठीक है. मैं उसको लिख के ना तो बाद में आपको टाइम दे दूँगी लिखने के लिए. फर्स्ट बात यह है कि मार्टिन आया, ठीक है, उसने थिएटर ऑफ एब्सर्ड के नाम से एक बुक लिखी. उसके अंदर मुख्य रेफरेंसेस थे, प्लेस को डिस्क्राइब किया गया था जो कि एब्सर्ड थिएटर को रिप्रेजेंट करते हैं. अब उसने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताया कि एब्सर्ड थिएटर बेसिकली होता क्या है, ठीक है, क्योंकि ये वही मैं कह रही हूँ कि बैकग्राउंड ऑल जो इसके ये चीज़ें हैं उनको जितने आप उनको क्लोजली समझोगे तो आपके लिए टेक्स्ट समझना फिर काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने ये बात की, मार्टिन ने, वो कहता है कि एब्सर्ड थिएटर जो है वो आम थिएटर से बहुत हट के है, ठीक है, क्योंकि एब्सर्ड थिएटर ने वॉयलेट कर दिया, वॉयलेशन कर दी, जैसे शेक्सपियर ने भी की थी, ठीक है, तमाम तर ड्रामेटिक कन्वेंशंस की जो पहले होते रहे हैं एब्सर्ड थिएटर ने आके उनको वायलेट कर दिया. अब वो वायलेशन क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है अगर आप कहो कि एक ड्रामा क्या होता है, ठीक है, ये मार्टिन कह रहा है, तो वो कहता है कि अगर आप कहो कि एक ड्रामा क्या होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रामे के हवाले से ये देखा जाता है कि करैक्टर्स की करैक्टराइजेशन होनी चाहिए, ठीक है. करैक्टर्स हैं स्टेज के ऊपर, उनको करैक्टर दिया जाए कि तुमने ऐसे परफॉर्म करना है, ठीक है. एब्सर्ड थिएटर के अंदर मार्टिन ने ये बताया कि एब्सर्ड थिएटर के अंदर करैक्टर की करैक्टराइजेशन होती नहीं है, करेक्टर की करेक्टराइजेशन नहीं होती, तो हम उससे पूछेंगे फिर क्या होता है। तो उसने कहा कि जितने भी ड्रामाज होते हैं उसके अंदर तो आपको ये होता है कि करेक्टर को एक करेक्टर दे दिया जाए और उसने उसको करेक्टराइज करना है अपने ऊपर तारी करके, लेकिन इसके अंदर करेक्टर्स को मैकेनिकल पपेट बनाया जाता है, स्टेज के ऊपर दिखाया जाता है, यानी कि उन्होंने एक पपेट की तरह काम करना है। ठीक है, अगर हाँ ये चीज़ आप उस वक्त समझोगे जब आपको मैं अगर वीडियो इसकी दिखाऊँ, मैंने शायद मेरे हालांकि मैं जब शायद ने दिखाई थी मैंने। अच्छा, अगर आप इनकी एक्टिंग देखोगे आपको लगेगा ये कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन आप ये बात जहन में रखो कि करेक्टर को अगर बना दिया जाए तो उसका करेक्टराइज करना फिर भी निस्बतन आसान है, लेकिन मैकेनिकल पपेट बन के अपने आप को शॉर्ट करना इट्स टू मच डिफिकल्ट। ठीक है, यानी वो ऐसे लगेगा कि वो पपेट की तरह काम करें। कभी स्टेज है, कुछ भी नहीं है, वीरानी सी जगह है, एक दरख्त है, तो कभी वो इधर आ रहा है, कभी वो इधर जा रहा है, कभी वो बूट के साथ अपने खेल रहा है, कभी वो हैट उतार रहा है, मतलब इस तरह के इनके एक्शंस हैं। तो वो दिखने में ही आपको लगेगा कि बार बार रेपिटिशन हो रही है चीज़ों की, डायलॉग्स भी एक जैसे वो रिपीट करते हैं, इसलिए लगता है कि टेक्स्ट में कुछ भी नहीं है। यानी डायलॉग बात भी करते हैं, खामोशी से नहीं, जिनके डायलॉग भी होते हैं। हाँ, डायलॉग करते हैं, लेकिन बेसिकली मैं हिंट इस बात पे देना चाह रही हूँ कि आपने पपेट इस तरह से बना दिया जाता है कि करैक्टर जो आपके सामने प्रेजेंट किया ना, उसकी चाल ढाल, उसकी आंखों का इम्प्रेशन, उसका इधर उधर देखने का इम्प्रेशन, उसकी हैड क्या सिम्बलाइज कर रही है, उसका बूट उतारना क्या सिम्बलाइज कर रही है, ये सारी चीज़ें सिम्बॉलिक हैं। ठीक है, ये उसी वक्त डायलॉग्स में समझ में आएंगे कि जब आपको बैकग्राउंड में तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड होंगी। ठीक है, तो इसलिए मतलब कि थोड़ा सा मैं इस हवाले से पहली बात तो मैंने ये कर दी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको मैकेनिकल पपेट दिखाया जाता है। ठीक है, कैरेक्टर्स को एब्जर्ड थिएटर के अंदर पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात, मार्टिन ये कहता है कि एक ड्रामा वो होता है जिसके अंदर थ्रू आउट द ड्रामा, जैसे आप ड्रामा शुरू करो, उसके मिडल में पहुँचो, उसके एंडिंग में पहुँचो, तो आपको थीम वाज़ा होता चला जाए कि ड्रामे के अंदर थीम क्या है। ठीक है, अब ये यूँ समझ लो कि आपको एक तरह से हाँ, अब यूँ समझ लो कि मैं आपको डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ कि एक मतलब पुराना ड्रामा कैसा था और एब्सर्ड थिएटर में डिफरेंस क्या है। पहले मैंने बात की कि ड्रामे के अंदर करैक्टर को करैक्टराइज किया जाता है, लेकिन एब्सर्ड थिएटर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैकेनिकल पपेट होता है इसको। दूसरी मैंने बात की कि ड्रामे के अंदर अगर हम ये बात ध्यान में रखें कि थीम को डायरेक्टली प्रेजेंट कर दिया जाता है, थ्रू आउट द ड्रामा हमें थीम वाज़ा होता चला जाता है जैसे हम ड्रामे को कहते हैं, लेकिन जब आप होते हैं ना हाँ क्या थी ताल्लुक, हाँ बिल्कुल ताल्लुक भी होता है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है राइटर ये कहता है सॉरी मार्टिन ये कहता है कि एब्सर्ड थिएटर के अंदर थीम जो है ना उसको इनडायरेक्ट उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन उसकी नहीं होती। यानी कि डायलॉग बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक्ट 1 में जो हो रहा था एक्ट 2 में भी आपको वही लगेगा, सेम वही हरकत हो रही हैं, कुछ भी नयापन नहीं हो रहा इसके अंदर। ठीक है, तो लेकिन इस लिहाज से वो ये कहता है कि थीम आपको कोई वाज़ा नहीं होगा, इनडायरेक्ट सारी चीज़ें रखी गई हैं, आपको खुद थीम उसके अंदर से निकालना पड़ेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर आपको वाज़ा कर दिया जाता है थीम, लेकिन एब्सर्ड थिएटर के अंदर एज्यूम्ड थीम्स आपके सामने आते हैं जो आपको खुद एज्यूम करने पड़ते हैं। ठीक है, अब इसके अगर थीम के ऊपर आ भी जाता है क्वेश्चन अगर, तो इसके अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के एक थीम नहीं, दो थीम नहीं, कई थीम्स आप इसमें खुद से डिस्कस करोगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड बात वो करता है, थर्ड में वो कहता है कि मतलब करेक्टराइजेशन ही होती है। अब हम बात कर लेते हैं डायलॉग्स की। ठीक है, पहले तो ये होता था कि डायलॉग्स मतलब वाजिया हो जाते थे, या अगर हम चेरी ऑर्चर्ड की भी बात करें, वो भी मॉडर्न ड्रामा ही है, तो उसमें भी सिचुएशन इसकी भी निस्बतन वैसी ही सिचुएशन है, यानी सिचुएशंस को सीरियस रखा गया है और जो डायलॉग्स हैं उनको कॉमिक रखा गया है। लेकिन फिर चेरी ऑर्चर्ड और इसमें डिफरेंस ये है कि उसके अंदर जो कॉमिक डायलॉग्स हैं उनकी समझ आ रही है। ठीक है, मतलब ईजी गोइंग है और लाइफ से और रेवोल्यूशन से रिलेटेड होते, लेकिन एब्सर्ड थिएटर के अंदर जो डायलॉग्स होते हैं ना उनको बैबलिंग कहा जाता है, ठीक है। बैबलिंग का मीनिंग होता है इम्परफेक्ट डिस्कशन या फुलिश डिस्कशन, ठीक है। ये होती है इसके अंदर एब्सर्ड थिएटर के अंदर। ठीक है, ये वो बात करता है। अब ओवरऑल इसमें आपने मतलब आपको आइडिया तो हो गया ना कि किस किस्म के मतलब ये यूँ समझ लो कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका एब्सर्ड थिएटर का। अब एक चीज़ आपको ये वाली होगी कि जब आप ड्रामा पढ़ोगे तो आपकी ये चीज़ माइंड में होगी कि ये मैकेनिकल कपल्स हैं, ठीक है, ये रेपिटेशन करेंगे, फजूल किस्म के ये डायलॉग्स बोलेंगे, ना समझ में आने वाली वेग डायलॉग्स ही बोलेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर थीम्स वाज़ा नहीं किए गए, वो आपको खुद से एज्यूम करने पड़ेंगे। और तीसरी बात यह है कि इसके अंदर आपको लगेगा कि फुलिश डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पे वो तीन बातें जो भी मैंने बोली थी वो आपको रीडर को या ऑडियंस को, ये मार्टिन कहता है कि ऑडियंस को एब्सर्ड थिएटर को ऑब्जर्व करने के लिए पहली चीज़ ये ज़रूरत है उसकी, पहली चीज़ तो ये है कि उसको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी डीपर लेवल ऑफ हिज माइंड। ठीक है, अपने डीपर लेवल ऑफ माइंड को उसे खोलना पड़ेगा इस एब्सर्ड थिएटर को, इसकी एब्सर्डिटी को समझने के लिए। दूसरी बात वो ये करता है कि क्योंकि अभी यहाँ तक तो आपको आइडिया हो गया ना, अगर फुलिश डिस्कशन है तो सारी बातें नोट्स एंड ही उनकी बातें होंगी। तो दूसरी बात वो करता है कि ऑडियंस के अंदर क्या चीज़ पैदा होती है, जैसे यूँ समझ लो जैसे हम डिस्कस करते थे एरिस्टोटल को, एरिस्टोटल ने ये पॉइंट दिया और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे रीडर के ऊपर, ठीक है। उसी लिहाज से मैं आपको बता रही हूँ कि थिएटर इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है और ऑडियंस को किस चीज़ की ज़रूरत है कि डीपर लेवल ऑफ माइंड को वो जहन में रखे कि चीज़ों को डीपली उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ वो कहता है कि उसको अपने अंदर सेंस ऑफ नॉन सेंस पैदा करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि अगर करैक्टर्स जो हैं वो नॉन सेंस डिस्कशन कर रहे हैं तो रीडर को सेंस ऑफ नॉन सेंस का मतलब ये है कि उन्हें अपनी वो सेंस डिवेलप करनी पड़ेगी जिसकी मदद से वो उनकी नॉन सेंस बातों को समझ जाएं कि ये क्या कह रहे हैं। उन्हें भी नॉन सेंस बनना पड़ेगा। हाँ, हमें नॉन सेंस नहीं बनना पड़ेगा, यानी कि हमें हमारे अंदर वो सेंस होनी चाहिए जो या पुलिस डिस्कशन या पुलिस वो हम अंडरस्टैंड कर लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तीसरी बात भी मैंने मेरा ख्याल अभी बोली थी, क्या बोली थी, यही बोली थी, सेंस ऑफ नॉन सेंस बताई। हाँ नहीं, कोई बात भी थी। अच्छा, एक तो उन्हें नॉन सेंस, सेंस ऑफ नॉन सेंस पता करनी पड़ेगी, डीपर लेवल ऑफ हिज माइंड। अच्छा हाँ, तीसरी बात मैंने ये बोली थी कि सिचुएशंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशंस। कॉन्शियसली, ठीक है, रादर देन वेगली। अब हमें जब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं डायलॉग्स को तो हमें हम उसको, यानी अगर डायलॉग्स वेग हैं तो ये रिक्वायरमेंट है, यूँ समझ लो कि इस ड्रामे को समझने के लिए ये रिक्वायरमेंट, ये चीज़ें हैं कि आप तो आपका डीपर लेवल ऑफ माइंड होना चाहिए, डीपली आप ये चीज़ों को लेना है। दूसरी है कि सेंस ऑफ नॉन सेंस, आपने उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि उनकी नॉन सेंस के पीछे क्या है। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने उनकी जो सिचुएशंस हैं उनके डायलॉग को नहीं, सिचुएशंस को आपने मद्देनजर रख के देखना है चीज़ों को कि सिचुएशंस क्या कह रही हैं, और कॉन्शियसली उसको देखना है सीरियस होके, रादर देन वेगली। अब आप कहोगे डायलॉग्स तो वेग हैं तो हम ये वेग है कुछ भी नहीं है, बस वेगली लो, इसको क्या है, ठीक है। तो उनके वेग डायलॉग को वेगली नहीं लेना, उनके वेग डायलॉग्स के पीछे जो सिचुएशंस हैं उनको कॉन्शियसली सोचना है, कॉन्शियसली उसको ट्रीट करना है, ठीक है। चलो अगर आप ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, फिर ताकि मैं इसको रेज कर दूँ।